Bismillahir Rahmanir Rahim. Janab Sadr Press Club, Quetta, Sadr Baluchistan Union of Journalists, Mehmane Grami, Khawateen Hazrat, Assalamu Alaikum. Aaj ki is purwakar takreeb mein shirkat mere liye bhi ek fakhre bais aur fakhre ehsaas hai. Sabse pehle main nau muntakhib जर्नलिस्टों को बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को मुबारकबाद पेश करता हूं और यकीन करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि वो साफियों और मीडिया पर्सन्स के हकूक इख्तियारात का बेहतर अंदाज में दिफा करेंगे और ख़ास तौर पर हुकूमत और प्रेस ताल्लुकात को पहले से खुशगवार अब मजीद मुस्तकम और मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे. आप लोगों ने तो अपने मुश्किलात बयान किए हैं. मुझे बिल्कुल बखूबी इल्म है कि हमारी जर्नलिस्ट इस पिछले कई दाइयों में बड़ी कुर्बानियां दी हैं, शहीद भी हुए हैं. और जैसे आपने कहा कि ज़ियाउलहक के दौर में हम जेलों में भी गए, कोड़े भी खाए और तरह तरह की इज्जतें बर्दाश्त करनी पड़ी, तो वो मेरे इल्म में है. और जो बातें आप लोगों ने कही हैं कि आपकी मुश्किलात हैं, कि हमें जो जो मुश्किलात आपको दरपेश हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाल्लाह कि ये आप ये मुश्किलात मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी एक फोरम पे उठाऊंगा और यहां भी ये सिफारिशात करूंगा. जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि हमें हाउसिंग स्कीम नेक्स्ट PSDP में दिलवाया जाए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और हमारा जॉब सिक्योरिटी और आप लोगों को फ्यूचर तहफ़ के लिए, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शायद कुछ आपके साथियों की भी इसमें कुछ पेशरफ नहीं की है उन्होंने. इसके लिए सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी, और इसके लिए हमें चाहिए कि हम बेहतर रूल्स और लेजिस्लेशन की तरफ जाएं, कानून ऐसा बनाएं कि जर्नलिस्ट को ऐसे नहीं है कि आप शाम को दफ्तर जाएं तो अगले दिन सुबह जाएं तो फिर आपकी नौकरी ख़त्म हो गई है. उसके लिए कोई कानून साजी करनी पड़ेगी और ये मामला इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा. आप माशरे के वो चौथी हुकूमत के मेरे ख्याल में चौथी सतून है और आज़ादी साफ़त के बग़ैर आपने सही कहा कि मैं भी इस बात की तायद करता हूं और मानता हूं इस बात को कि जमहूरियत आज़ादी साफ़त के बग़ैर नहीं चल सकती है. आज दुनिया इतनी बदल रही है जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कि दुनिया में जहां जहां भी कोई किसे रुनुमा होते हैं तो आज हम डायरेक्ट टीवी पे और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम डायरेक्ट देख रहे हैं. जैसे 9/11 हमने लाइव देखा था तो उससे आज 9/11 और आज के उसमें काफ़ी फ़र्क आया है. और टेक्नोलॉजी ने इतनी जदीद तरक्की की है कि अब हमें हमारे सहाफ़त को भी साफियों को भी चाहिए कि हम भी उसके साथ वी शुड कीप पेस विद द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके बगैर फिर सहाफ़त का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, ना आप आगे कामयाब हो सकते हैं. क्योंकि इस शोबे में इतनी कंपटीशन आ रही है, इट्स बिकम सो कॉम्पिटिटिव कि आपको जदीद टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी. और हो सकता है अगले कुछ अरसे के बाद कलम और कागज़ कल्चर ही ख़त्म हो जाए और हम डिजिटलाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है, तो शायद हमें भी साफ़त इस शोबे में भी हमें कोडिंग, डिजिटलाइजेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़े. और साफ़त में भी आज फ़र्क आया है. पिछले जो साफ़ी थे 20 साल का जो पहले साफ़ी था और आज का जो साफ़ी है उसमें भी बड़ा फ़र्क आया है. और पब्लिक में ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी आई है तो नॉलेज बिल्कुल जाके एक इंफॉर्मेशन बन गई है. मैं अब ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे सारी चीज़ों का पता है, एक आम आदमी को शायद मुझसे ज़्यादा पता हो क्योंकि वो सोशल मीडिया से भी मुंसलिक है, प्रिंट मीडिया से भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी है. तो वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फ्लो आया है उसने बिल्कुल अब वो एक नॉलेज को उन्होंने इंफॉर्मेशन में बदल दिया है. तो हमें भी इसके साथ साथ इसी उस पर जाना पड़ेगा. बाकी
ये मैं मानता हूँ कि माजी में आप लोगों के साथ जातियाँ हुई हैं हमारे काफ़ी, सिर्फ बलूचिस्तान से 40 आपने कहा कि टारगेट किलिंग में, धमाकों में, इसमें शहीद हुए हैं। और हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उनके बच्चों का और जो आप लोगों ने फंड वो किया है, ये मसला भी मैं एक इस पर हाई फोरम पे भी उठाऊंगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ और उनके साथ के जो हमारे शहीद साफ़ी जो हुए हैं इस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का नजराना देकर शहादत नोश की है, तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए भी वो ऐसे करें और इस तरह के कोई रूल्स रेगुलेशन बनाएं ताकि हमारे जो फ्यूचर और आजकल के जो साफ़ी हैं और फ्यूचर उनके लिए भी हम वो करें। और आपका किरदार मेरे ख्याल में माशरे में एक बहुत अहम किरदार है, क्योंकि आप पूरे माशरे को, आपकी वजह से ही जो मैंने कहा कि नॉलेज हैज़ बिकम इंफॉर्मेशन, ये आपकी वजह से ही, आपकी बदौलत, आपकी काविशों की वजह से हुआ, क्योंकि आप हर जगह जाके आवाम के मसाइल उजागर कर देते हैं। हर मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने कोशिश ये की है कि आवाम को सही और आज़ादी साफ़त के रूल्स के तहत सही और बाखबर रखें। तो और आजकल दुनिया इस मर्ज से, कोरोना वायरस से, जानलेवा मर्ज से दो चार हो गई है, इसमें भी मीडिया ने, साफियों ने, साफत ने भी अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसमें और भी रहनुमाई करेंगे आवाम की कि वो SOPs को फॉलो करें और जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन रोल ऑन हुआ है, वो वैक्सीन जो मतलब जिन लोगों को मिल रहा है और जिस एज के लोग हैं वो जाके ये वैक्सीन लगाएं, और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि भाई ये वायरस वैक्सीन जो है ना कारामद नहीं है, काफ़ी चीज़ें जो आ रही हैं हम लोग प्रिंट मीडिया और उसमें देख रहे हैं, उसकी आप लोग मुखालफत करके लोगों को उजागर करेंगे। तो मुझे, मैं फिर एक दफ़ा फिर आप आखिर में अपने नव मुंतखब साफियों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप आज़ादी साफ़त के लिए काम करते रहेंगे। एक चीज़ बताता जाऊं कि आपने कहा कि ज़ियाउल्लाह के दौर में या पिछले मार्शल आर्ट्स में हालात हमारे बहुत सख्त हालात से हम गुजरे हैं, डिफ़िकल्टीज थी, जेलों में गए हैं, कोड़े खाए हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में मैं इससे यकीन से कह सकता हूँ कि आज हमारा कोई साफ़ी जेल में नहीं है इस दौर हुकूमत में। और एक माहौल बन रहा है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट और साफत का, साफियों का और प्रेस का एक खुशगवार ताल्लुकात हो, और इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, आप भी इसके लिए कोशिश करें। और जो इंशाल्लाह आपके जो मुश्किलात हैं, आप लोगों ने आज बताया हमें कि हम इस मुश्किलात से दो चार हैं, तो आई टेक इट अप विद हायर फोरम्स एट प्रोविंशियल लेवल एंड गवर्नमेंट लेवल। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड वेरी मच फॉर।